सतना पुरख निर्भ निर्व अकाल मूर्त अजोनी से भंग गुर प्रसाद जप आध सच जुगाध सच है भी सच नानक हो भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लख चुप चुप न होवे जे लाई रिया लिता ਕੋ ਕਾ ਪਖਣਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਪੁਰਿਆ ਪਾਰ ਸਹਸਿਆ ਪਾ ਲਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਥਨਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਕੋੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ नानक लिखिया श्री कृष्णा चलिए हाँ हां जैसी सुनीता जी एक, 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 एक मिनट हो तो आज हम आज हमको पढ़ना है 51 से सातवीं पढ़िए 51 से 53 तक चार वर्ष पढ़ेंगे हैं चारों वर्ष पढ़ लेते हैं तो ये पहले सिंह साहब ये हिंदी में पढ़ लेने दीजिए कोई भी वही वही बोला मैंने आप हिंदी में बोलिए पहले कोई एक बार पेज नंबर बताएंगे जरा मुझे फिफ्टी वन से लेके फिफ्टी थ्री फिफ्टी वन चार चार चार, चार तो आप, चलिए आपकी आवाज बहुत दिनों में सुनने में आ रही थैंक है अगर सॉरी फिफ्टी वन से पढ़ रहा हूँ अगर किसी की अगर किसी की आयु चार युगों जितनी हो जाए बल्कि इससे भी दस गुना और उम्र हो जाए बेशक वह सारे संसार में प्रकट हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति उसके पीछे चलने लग पड़े वह अच्छी प्रसिद्धि कमाकर सारे विश्व में शोभा व यश की प्राप्ति कर ले अगर मालिक के आदेश के अनुसार नहीं चला तो कोई उसका हलचल नहीं पूछता बस यहाँ खत्म बस हो पे सिंह साहब आप करिए एक्सप्लेन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये चार जो हैं पहली पुड़ी के चार वर्ष अन पढ़े आज खोलू आपका कनेक्शन थोड़ा खराब है सिंह साहब आपका थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है दो तीन दिन से दो तीन दिन से घर से बाहर हूँ अच्छा अच्छा वो कनेक्शन में ना कट रही है आपकी आवाज बीच में <laughs> वही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मैं दो तीन दिन से ऐसे घर से बाहर ही हूँ मैं अभी मंडे को पहुंचूंगा घर तो यहाँ पे मैं बोरीवली में आया बोरीवली में मेरे इन रहते हैं तो तो पे मैं आ, रुका आजकल तो थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है तो अच्छा आज की जो चार वर्सेस हैं वो हैं जे जुग चारे आरजा घोर दसूणी ये युग जो है ये उन चार युग की बात की गई है जैसे सत्युग त्रेता द्वातर द्वापर और कलयुग है तो जे युग चारे आरजा मतलब उमर है? जो तो अगर तेरी उम्र है नानक बोल रहे हैं या तेरी या मेरी किसी की भी उम्र चार युगों के बराबर भी हो जाए है? चार युग के बराबर हो जाए और दसूणी होए मतलब उससे भी दस टाइम ज्यादा हो जाए मतलब ये आ, उस टाइम की बात की गई है जब ज, जैसे इसमें हम अगर आ, आ, उसमें जाए रामायण में जाए तो रावण समझ लीजिए गीता में जाए तो दुर्योधन हो गया फिर अभी अः लानक के टाइम पे बाबर वजदेर तो किसी को भी हम में कर सकते हैं मैं जस्ट जस्ट वैसे कंपेरिजन से मैं बोल रहा हूँ इसको बाकी जरूरी नहीं है कि ऐसा इसमें कहा गया है इसमें ये बोला गया है कि अगर हम हमारी चार युगों के बराबर भी उम्र हो जाए और उससे भी दस गुना बढ़ जाए चाहे नवा खंडा जानिए नाल चले सब को नवाखंडा मतलब नौखंड में अभी आई एम नॉट श्योर क्या नाना जी नौखंड किसको बोला है नौ प्लेट प्लान को है, या नौ कॉन्टिनेंट को बोला है अर्थ के ऊपर या किसी को भी बोला नवाखंडा मतलब जिस नौ के नौ खंड में सब आपको जानने लगते हैं ला जानने लग जाए नाल चले सब कोई सब आपकी बात भी मानेंगे मान रहे हैं सब कुछ जो आप कर रहे हो वही हो रहा है, है? आपकी सब बात मान रहे हैं। आपकी इज्जत कर रहे हैं रिस्पेक्ट कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लोग चाहे कितना भी कर रहे हैं है? चंगा नाव रखाई के जस की रतज जग ले और नाम भी इतना अच्छा हो गया तुम्हारा मशहूर हो गए तुम तो बिल्कुल फेमस हो गए है।, है जैसे आजकल बोलो अमिताभ बच्चन है शाहरुख खान है मतलब भी कोई पहुंच जाए चंगा नाव रखाई के जस की पूरे जग में उसकी सब कीर्ति गा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है इवन वी कैन कनेक्ट मोदी जी ऑल्सो ये ठीक है जे तिस नदर ना आवई उसमें है, बाद में चौथी में लिखा है जे तिस नदर ना आवई तब बात ना पूछे की लेकिन उसकी कृपा नहीं है अगर उसकी कृपा कब होती है जब हमारा अहम नहीं है अहम में रहेंगे तो समझ लो उसकी कृपा नहीं है ये क्लियर है टोटली है। इसमें कोई डाउट नहीं है तो उसकी कृपा नहीं जेतिस नदर ना आवे नदर मतलब कृपा या ब्लेसिंग या जेतिस नदर ना आवे तब वात ना पूछे के तो उसको कोई पूछता भी नहीं है तो यहां तक करेंगे हम आज तो मतलब उसकी नदर के अलावा नदर का मतलब नदर यही समझे कि जब हमारे पास हमारा अहम है तो नदर नहीं है और नहीं है तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग अपोजिट है दे कैन नॉट स्टे टुगेदर तो इतना ही आज करते हैं तो अभी आप मेबी एक-एक करके इसको जो भी समझाया या जो भी आप समझा सकते हैं वैसे हैं उल्टा शुरू करेंगे ये विनोद जी आप स्टार्ट कीजिए बोलना हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि थोड़ा अनामत और मोनाथ लेट बोलते हैं हां हां जी हां हाँ इसमें यही समझ में आता है कि गुरु की कृपा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और गुरु के आदेश अनुसार चलना मतलब कि सेंटर को जो है आपको अपने मन को जो है सेंटर पे लेके ही आना है मतलब जब मन सेंटर पे आ जाता है तो हम मतलब व्यक्ति जो है वो ओम के आदेश के अनुसार चलता है या फिर प्रभु के आदेश के मालिक के आदेश के अनुसार चलते हैं अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं और सही कर्म कर रहे हैं सेंटर से डिसीशन ले रहे हैं तो हमारा जीवन सही चलेगा और अदरवाइज तो अ, मतलब आपको चार युगों का जन्म मिल जाए और ख्याति मिल जाए मतलब बहुत फेमस भी हो जाओ और चार युगों जितनी लंबी उम्र हाँ बेच हाँ, मतलब कि आपके पास सारी शोहरत सब कुछ होगा उसके बाद भी यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ मतलब अगर आप सही कर्म कर रहे हो सही दिशा में जा रहे हो फिर आपके पास कुछ नहीं होगा तो भी आप सेटिस्फाइड uh, रहोगे और जीवन आपका सार्थक रहेगा और अगर आप सही कर्म नहीं कर रहे हो तो उसके बाद सारी जगत की ख्याति पैसे माया सब हो तो भी आपका वो कोई काम का नहीं मतलब मन की शांति नहीं मिलेगी मतलब देखिए माया और वो तो कोई काम का है ही नहीं अगर मन की शांति है तो ही जीवन आपका सार्थक है अदरवाइज तो जो लिखा है इसमें इट इज मतलब कोई भी काम का नहीं फ्रूटाइल नहीं है यही कहने थैंक यू बहुत ही सुंदर हाँ जी ये बिम्मी आप बोलिए हाँ जी इसमें मुझे लगता है ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की है कि जब हम आ, लंबा जीवन छोटा जीवन छोटे जीवन में भी आप आ, आ, मतलब यदि आप कोई कि सही कर्म अपनी ऑनेस्टी से अह संभव में आप कर्म कर रहे हो आ, मतलब ट्रू टू, टू, टू योरसेल्फ पहले तो ना कि क्योंकि वो मुझे लगता है जब आप कोई गलत काम भी करते हो तो कहीं ना कहीं वो अंदर अपने आप ही वो यू यू योर सेल्फ नो कि आपने कोई गलत काम किया है वो वो अंदर अपने आप ही वो दस्तक आती है अब वहां पर आप उसी दस्तक से ही जैसे वो कह रहे हो ना धोखा कर रहे हो तब भी वो गलत रास्ते पर ही आगे बढ़ते जा रहे हो तो जब तक यू आर uh, तो छोटी उम्र में भी आप uh, मतलब बींग ट्रू टू योर सेल्फ आप वो आपकी जो uh, मेनोज भी कह रहे थे कि वो मन की जो शांति है Uh, वो आप आपको मिल सकती है राधा दन की ना हम quality, वो हम क्वालिटी वो क्वांटिटी को देखे और इतनी लंबी उम्र और उसमें और ऐसे भी एग्जाम्पल्स uh, रहे हैं हिस्ट्री में कि जिसमें uh, लोगों ने uh, बहुत फे, वैसे फेम या बहुत uh, हुए हैं प्रसिद्ध हुए हैं वो, और वो पर uh, जब जहां पर वो जैसे देव नॉट बीन ट्रू टू देयर वर्क तो फिर वो ऊपर का वही है दिखावा ही है मतलब तो ऊपर से कुछ और है और अंदर से वो कुछ और है तो वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो ईश्वर की लाठी उसको लगेगी जरूर तो इसलिए बिलीव इन जो भी अपना वो ही काम करो ऑनेस्टी से करो एंड उसमें से तो हाँ बस यही हेलो <laughs> नॉइस और केबल्स रोमाटिक्स में और वो ये भी ना वर्ड्स वही देता है वही देता है वही वो तो देता है जहां पे हमारा मन की पहुंच मन जहां तक पहुंच सकता है वहां तक के वर्ड सारे ऊपर से आते हैं ये हमारे बस आपकी जो तो स्थिति में थोड़ा सा वो पता नहीं ये सोनम वांगचुक का ही देख रही थी कि वो इतने दिनों से वहां पर फास्टिंग कर रहे हैं तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जैसे वही वो, वो मोदी जी की बात आ रही थी कि कहाँ पर वो उनके कानों तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है इनकी या वो इतने सेंसिटिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि कोई इंसान अपने वहां के कहते हैं प्रकृति का मतलब यहाँ पर तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और ये वो और यहाँ पर हमारे देश का ही एक अंग और वहां के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं तो क्यों नहीं वो हो रहा तो मतलब वो यही जो इसमें हमने भी चार लाइनें पढ़ी कि इतने आप प्रसिद्ध हो गए आपकी हर जगह ख्याति है और हर जगह वो है यू आर इन दैट पोजीशन ऑफ यू नो मेकिंग अ डिफरेंस तो वहां क्यों चूक हो रही है तो कौन सही है, है कौन गलत है? है वो थोड़ा सा वो लगता है नहीं नहीं ये ये चलो मैं अपना जब मेरा टाइम आएगा मैं बताती हूँ आपको ये वाली चीज लेकिन ये अभी मोना और इनसे पूछते हैं पहले हाँ मोना जरा बताओ हाँ जी ये मतलब जितना भी मतलब इंसान फेमस हो जाए उसके पास शोहरत दौलत सब कुछ हो अगर वो मतलब भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो फिर उसका वो सारा कुछ व्यर्थ है उस मतलब इसका मतलब मेन कंक्लूजन मुझे यही मिला बहुत अच्छा मिलाया है तुम्हें conclusion. बहुत जबरदस्त है। एक मेरे पास एक क्वेश्चन है ये जो फोर्ड के कार्य है इसका जो ऑनर है वो कितना रिच है उसने वो मतलब ये वृंदावन में सारा कुछ छोड़ मतलब त्याग के जैसे वो सा, साधा जीवन जी रहा है तो ये मतलब ठीक है मतलब एक तरफ उसको मतलब भगवान ने सारा इतना कुछ इतना रिच बनाया हुआ फिर भी उसने वो सारा कुछ त्याग वो एक साधारण जीवन जी, जी रहा है भगवान किसी के उसमें अंतर नहीं करता ये भी मैं अपना मेरा टाइम आएगा जब भी बोलती हूँ ये अच्छा ये तुमने बोल दिया हाँ तो ये क्वेश्चन है ना तो ये भी बताती हूँ ये अनामिका जी आप हाँ हाँ इसमें यही समझ आया कि मतलब आपका मतलब जीवन भी बहुत बड़ा हो और सब कुछ भी अगर आपके पास हो लेकिन मन को हमें सेंटर में ही रखना पड़ेगा मतलब परम में स्थापित होना पड़ेगा तो ही मतलब नहीं तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हालचाल कोई नहीं पूछता मतलब वो हम शांति हमें नहीं मिलेगी जो एक पीस है वो मुझे इसमें यही समझ में आया हाँ हाँ ठीक है परफेक्ट है परफेक्ट तो यही है ये जो पहुंच तो गए सब वो बस ये है ये जो विनोद जी की जो बात होती है ना ये इन्होंने जो सेंटर का जो चीज ब, 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 बोली तो सेंटर पर सेंटर उस अवस्था का नाम है जहां पर मैं अपने स्वरूप से वाकिफ हो गई मेरी पहचान हो गई मेरी पहचान पहले मैंने अपनी प्रकृति के पदार्थों से की हुई थी तो पहले अपने स्वरूप में आना पड़ेगा स्वरूप में आना मतलब ये हो गया जो मेन ट्रांसफॉर्मर है जिससे मेरे को एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी के प्रति यदि वो एनर्जी ना हो तो ये बॉडी मृत है कुछ भी नहीं वर्क कर सकती और हम लाइबिलिटी अपनी समझ लेते हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं हमें किसके साथ में जुड़ना है रियल में मेरा कौन है जिससे मेरी परम एनर्जी मेरे अंदर जो वही बनकर जो चमक रही है और उससे सारी मेरी इंद्रियां चलती हैं सबसे पहले वहां पर आना पड़ता है तो वो सेंटर होता है तो उसके प्रति मेरे को जो है सारे कार्य मेरे को उसके करने तो अब क्या हो गया जो सारा जो मटीरियल जगत था वो आ गया धरती का सारा जो कार्यक्रम आ गया धरती का आ गया अब धरती से ऊपर की अवस्था हो गई आपकी प्लेन वाली अवस्था हो गई वो जो सत्व गुण तक भी अच्छे और बुरे दोनों तरफ में ट्रेवल करता है प्लेन लेफ्ट पे गए तो आप जो है सारा जो बैगेज है गलत कर्म का जिसमें रावण जैसे लोग आ जाते हैं और जो सत्व गुण का है वहां तक राम आ जाता है राम आ जाते हैं अब अवतार पुरुष की किसको कही जाएगी अवतार पुरुष को हो गया जो जो जिसका प्लेन उड़ गया ऊपर से अब उसका लेवल ही फर्क हो गया अब वो तीनों गुणों को यूज करने के लिए वो हो गया स्वतंत्र हो गया अब तीनों गुणों में जो बैठने के लिए अब क्या हो गया कि वो मन से ही पार की अवस्था हो गई मन से पार की कि जो मन मेरा मन फॉर्म ही हमारा संसारिक चीजों से होता है जो भी थॉट्स होते हैं वो सारे सारा संसार मतलब टोटल प्रकृति से ही मन हमारा निर्मित हुआ हुआ है अब मन जो है जब मन ने ये जान लिया मन जान नहीं सकता मन उस पर समर्पित हो सकता है मन क्योंकि सूक्ष्म चीज है मन जो हो गई मन हीन है आत्मा के आगे अब आत्मा क्या चीज थी जो मेन ट्रांसफॉर्मर थी अब में वो कह रहा है कि मैं तो चारों तरफ में चक्कर काटिया के पूरे और वहां मुझे कहीं भी जो है शांति नहीं मिली तो आप ये इंसान एक चक्कर काटने के बाद में भी ये अनुभूति यदि तगड़ी हो तो वो एक एक चक्कर में भी पता चल सकता है उसको और ये चीज होता है दस मतलब सौ चक्कर भी लगा ले तो भी तो हमारा जो जन्म मरण का जो चक्र है सो में क्योंकि हमने हर क्षण को पूरी तरह से नहीं जिया अवेयरनेस में नहीं जिया तो इस कारण जो है हमारे हम चक्कर लगते चले जा रहे हैं तो ये ये आती है अब चारों युगों की जो बात इसमें बोली गई है चारों युग भारी जो समय जो समय काउंट जो करते हैं जब चेतना जो उसमें जीव उसमें आती है जगत में तो वो समय में जीती है समय में जीती है समय में जीना मतलब ये होता है जो भी मैं कर्म कर रही हूँ समय में मेरे को उसका फल चाहिए तो इस प्रकार से अब समय से परे में अवस्था होती है निष्काम अवस्था कि जिसमें मुझे फल नहीं चाहिए तो उसमें क्या होता है मन की स्टेजेस आती हैं तो मन की स्टेजेस चारों प्रकार की आती हैं कि कभी मन सत्व में जा कभी मन जो है मन में कल है, जैसे जब भी है तो आ, आपका जो है कलयुग चल रहा है और जो वैसी अवस्था है जो मन पूरी तरह से शांति में है तो वो है लेकिन शांति भी शांति पर भी चैप्टर ओवर नहीं हो जाता शांति यदि आपको सारे जगत के उस उसपे से मिल रही है शांति कुछ करके तो भी वो करने वाला चैप्टर ओवर मतलब वही रह गया करने वाला भाव ही रह गया आपके अंदर अब पहले स्वयं को आपको मुक्त करना पड़ेगा स्वयं को मुक्त कैसे करोगे ये जो प्रकृति मन भी मेरी प्रकृति में शामिल है तो इन सबको आप रेकग्नाइज नहीं करते आप आप उसको रेकोग्नाइज करते हैं मेन ट्रांसफॉर्मर अब जाना है आपको तो मन ने मन आ गया जीरो पर तो तब वो मुक्त हो गया तो उसकी आ गई अब प्लेन वाली अवस्था आ गई लेकिन अभी उसकी शरीर है पृथ्वी से वो जुड़ा है उसका कनेक्शन बना हुआ है अभी अब कनेक्शन जब बना हुआ है तो वो जो कार्य करेगा तो अब उसकी एक लिमिटेशन है एक हर बॉडी की लिमिटेशन है अब वो म, मन तो मेरा आकाश का हो गया तो मैं उड़ने लग गई कि मेरा अपना बैगेज खत्म मेरे को अपने स्वरूप का जो जन्म मृत्यु से परे है तो उस अवस्था में मैं आ गई अब जो मैं कार्य करूंगी तो अब मेरी जो शरीर की जो जितनी भी कैपेबिलिटी है ना करने की मैं उतना उतना करना चाहती हूँ गंदगी तो बहुत मची हुई है मेरे को दिख रही है सब कुछ गंदगी मची हुई लेकिन मेरा अब शरीर है और मेरी सांसें बची हुई है जितनी इस शरीर को क्योंकि ये जो तो उतने में अब मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं बचा कि मेरे को कहीं फेमस होना है या मेरे कोई कार्य करने हैं या मेरी कोई कामना बची है तो कामना जिसकी खत्म हो गई कामना शरीर की रहेगी कि कोई कह देगा उसको भूख प्यास नहीं लगती ऐसा नहीं होता बॉडी तो उसी से सरवाइव करेगी तो वो सरवाइवल के रेट पर आ जाता है खाली कि उसको जो भी मिल रहा है तो अब जो मोदी जी की जो कंडीशन है वो इसी प्रकार से है अब उनकी जो जितनी भी उनके अंदर सामर्थ्य है जितने भी आवर्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू आवर्स देते हैं तो जो भी एक मुक्त आदमी जो भी कार्य कर रहा है वो वो सारा कुछ अच्छा ही कर रहा है क्योंकि मुक्त ही सिर्फ कर सकता है अच्छा अच्छे वाला नहीं कर सकता जिसके माइंड में ये चीज है ना कि अच्छा मैं कर लू तो अच्छे में भी आप बंधे हैं अच्छे से तो उसमें भी दिक, दिक्कत आ जाएगी क्योंकि आपने कहा मैंने तो अच्छा कर दिया फिर उसमें जो है आ, सामने वाला जो रिवार्ड जो दे रहा है आपको वो गलत दे रहा है तो उसमें भी आप बंधे हुए हैं चेतना बंधी हुई है क्योंकि वो अच्छे के साथ में बंधी है जब अच्छे से भी परे हो जाता तब मुक्त की अवस्था आती है तो वो मुक्त वाली स्टेज में आकर अब मनुष्य के हाथ में जो भी चीजें हैं और जो भी उसके पास मशीनरी जो भी काम कर रही है आसपास जितने भी लोग उसकी सुनकर चल रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं सुन रहे हैं तो वो उतनी उतनी मशीनों को यूज कर लेगा अपने हिसाब से करके लेकिन एक लिमिटेशन है ना आवर्स की लिमिटेशन है वो है तो इस प्रकार से ये जो है हैंडल करते होंगे यदि मुक्त स्टेज पे वो बैठ के कर रहे हैं तो ऐसे हैंडल करते होंगे तो उसमें जो बहुत ज्यादा क्योंकि ये जो बर्बादी की तरफ पर जो अर्थ जा रही है वो तो पूरे विश्व का है लेना देना उससे पूरा विश्व ही वो है ना खाली इंडिया से ही नहीं हम एमिशन कार्बन वो जो सीओ टू एमिशन करते हैं ये एमिट तो सारी दूसरी भी कंट्रीज से चल रहा है ना प्लास्टिक ये सब जो चीजें हैं इसके बहुत सारे रीजनस हैं तो उसमें जो हैंडलिंग है एक एक मनुष्य जीवन में एक सम वो होती है ना जैसे कृष्ण ने अवतार पुरुष उनको कहा गया जब इंसान नहीं जो अपने मतलब के हिसाब से जी रहा तो वो अवतार पुरुष में आ जाता है तो अब अव, अवतार पुरुष भी अब यदुवंश पूरा नष्ट हो गया जब वो द्वारिका उस द्वारिका से जब उसको हैंडलिंग कर रहे थे तो वो भी तो नहीं कर पाए ना क्योंकि पीछे वहां पर क्या घपाल मचा तो वो चीज उसको उनको नहीं पता चली तो शरीर की एक मर्यादा है लिमिटेशन है अब वो ट्वेंटी टू आवर्स ट्वेंटी थ्री आवर्स जितनी भी जिसकी है वो दो घंटे तीन घंटे चार घंटे की नींद लेते हैं क्योंकि शरीर को उतनी नींद भी चाहिए तो जितने जागृत अवस्था में तो वो उतना ही बस वो जो संसार में जो दवाई मची होती है ना उसको क्लियर कर पाता है तो ये तो विमी जी मेरा तो यही मानना है और बाकी जो मोना तो नहीं, हाँ हमें हाँ, हाँ. नहीं इसमें मैं बस वो थोड़ा सा वो 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 है कि ये जो कार्बन ट्रांसमिशन का वो पूरे विश्व का ही है पर जो लद्दाख में हो रहा है वो कार्बन ट्रांसमिशन की सिर्फ बात नहीं है वो है कि वहां के लोगों को क्या चाहिए मतलब जब आप आप लोग वहां के लोगों को नहीं सुन रहे कि उन्हें क्या चाहिए आप डेवलपमेंट के नाम आप यदि डेवलपमेंट कह रहे हो वहां पर तो पहले उनको तो सुनो कि उनको कितनी डेवलपमेंट चाहिए वो, वो वैसी डेवलपमेंट नहीं पा रहे थी डिस्टर्ब हो वो पर उसका बैलेंस रखो पर डोंट अस इनटू ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पर हमारा जो प्रकृति है वो डिस्ट्रॉय होती है या जो भी उन्होंने जो पहले इन लोगों ने दो तीन मैनिफेस्टोज में जो वही व्हाट ही सोनम वांगचू कह रहे हैं कि दो तीन मैनिफेस्टो में पहले दो मैनिफेस्टो में उन्होंने हमें रिटर्न में दिया है कि हम ये करेंगे पर वो अपने प्रोमिस फुलफिल नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ इकोलॉजी और इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वो कुछ और भी जो उन्होंने ये जो भी उसको क्या है राज्य का दर्जा देंगे एंड ऑल दैट और एक ही एमपी है एंड ऑल दैट तो मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर क्यों इतने इनसेंसिटिव हुए हैं मतलब आई एम जस्ट ठीक है मैं क्रिटिकल हो रही हूँ मैं पूरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जो जिस जैसे हम हम हमेशा मोदी जी को बहुत उस एक तरह का हमने सभी को सभी ने उनको एक पेडेस्टल पर डाल दिया है तो और वो हमारे नेता तो एक साइड एक राज्य को ऐसे क्यों निग्लेक्ट कितना किया जा रहा है नहीं समझ तो नहीं, भी, नहीं भी, आ रहा भी, भी, नहीं भी, वो बैलें ये जो आप कह रहे हो ना सर्वाइवल वाला जो जो रेट आता है टोटल जब डेवलपमेंट होती है तो चने के साथ में घुन पिस है ये तो आप मान लीजिए क्योंकि हमारी जो क्रीम है सारी बाहर सेटल हो जाती है इंडिया में वो चीज तो डेवलप तो करनी ही पड़ेगी चाहे उसमें और दूसरा जो ये आ गया अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो अभी इनका सीट पे रहना जरूरी है तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि जैसे अब अब जो करंट में यदि वो सीट पे ही नहीं रहे तो बाकी तो दूसरी तरफ पर फिर तो मचना ही है ना बुरा वाला हिसाब किताब मचना ही मच है तो अभी कंसंट्रेशन शायद वहां की तरफ पर हो क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स की बहुत नॉलेज नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि जब जब इंसान का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता ना तो ऐसा नहीं है कि वो नंबर बनाने के लिए कर रहे होंगे अभी सीट पे रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई दूसरा आ गया तो वो चीज नहीं हो पाएगी ना फुलफिल जो इनके माइंड में जो चीज चल रही है कि जिस तरीके से एक क्लीन करने की भी तो एक हम इंसान को प्रॉपर वो टाइम देते हैं ना तो वो वो मेरे को लगता है ऐसा प्रॉब्लम बाकी तो ये विनोद जी और ये सब जो है आ, कमेंट करेंगे इस पर हां जी विनोद जी जरा आप कमेंट कीजिए इस पर वो मतलब जो सोनम जी कह रहे हैं वो भी सही है उनका कहना कि इकोलॉजी को मेंटेन करना है नहीं तो जैसे उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो गई पहाड़ों को काट दिया मतलब इकोलॉजी को मेंटेन करते हुए टूरिज्म को ध्यान देना है वो बात सही है उनकी तो कोई बीच का रास्ता निकालेंगे मोदी जी भी अब इतना मुझे वो वो एरिया लद्दाख के और नहीं है मुझे इतने लेकिन अच्छा। कुछ सोल्यूशन निकलेगा उसका भी समय समय आएगा तो सोल्यूशन निकल जाएगा थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो हो जाते सब नहीं, नहीं इस पे तो मेरे को तो ऐसा लगता है की जैसे जो, जो बनती और बिगड़ती है ना वो एट दर्थ ऑफ जो है वो पूरे उस पर तो आ ही गई है ऐसा कुछ नहीं है बस थोड़े बहुत दिन आप बचा सकते हो तो वो चीज वो है और मुद्दे क्या होता थी? है डोंट हाँ नहीं मुझे वो लगता है कि देखो मोदी जी के अंदर एक उनकी एक आवाज जैसे उनके कहने पर वो लक्ष्मीप का कितना वो हो गया बस एक वो वहां पर उन्होंने विजिट की और पूरा आ, सब लोग उनके साथ हो गए स्टैंड लिया गया हमारे खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट ने और सबने स्टैंड लिया और वो और तो उनका एक वो बींग वो है मतलब कि और वो नहीं है कि हाँ उनको सीट पर रहना तो बहुत जरूरी है तभी ये जो बदलाव है वो मोमेंटम बना रहेगा नहीं तो फिर से हम वही दस साल पीछे पहुंच जाएंगे तो वो है बट ये मतलब थोड़ी सी मुझे वैसे डिस्टर्बिंग और इस वो वही मैं कही थी कि सिर्फ इकोलॉजी यदि उनके चार पांच पॉइंट्स आप देखो सिर्फ इकोलॉजी इकोनॉमी वाली बात नहीं है डेवलपमेंट की बात नहीं है और भी चीजें जो पहले कमिट की गई थी वो फुलफिल नहीं की गई और जब तक लद्दाख के लोगों की आवाज नहीं होगी जस्ट वन एम रिप्रेजेंटिंग और वहां पर वो उन्होंने सोनम बांगचुक ने यही कहा कि वो गुजरात जैसे से इतने सारे पता नहीं दो सौ चालीस एम पी है पता नहीं, जो भी जितने भी एम पी है, है और वहां से सिर्फ एक सो हाउ कैन वो तो फिर हमेशा से राज्य निगलेक्ट ही होता रहेगा उसके आप, आप आवाज ही नहीं सुनोगे जी वहां के लोग क्या कहना चाहते हैं तो वो बदलाव लाने भी जरूरी है तो थोड़ा सा मुझे बस सुबह ही आज मैंने वो वीडियो देखा कि मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा देखे कि की इसमें भी ना ये मोना तो, के उसमें भी थोड़ा सा आंसर जो है इसमें मिल सकता है क्योंकि जो मोना ने कहा ना कि ये जो फोर्ड का जो मालिक है वो वृंदावन में आके सेटल हो गया तो उसमें क्या हो गया ना ये ये भी यही हो गया कि जैसे मेरा मन पूरा भर गया भर गया कि मेरे को पहले तो था कि मैं जो है उसमें उसमें पैसा रुपया मेरे लिए मैटर करती थी चीज लेकिन पैसा रुपया के साथ में भी ऐसा नहीं है कि आपकी शांति कहीं खराब हो जाएगी तो वो भी ना आपकी दृष्टि होती है कि आप जो है वो बैगेज संभालना चाहते हैं नहीं संभालना चाहते ये भी क्या होता है कामना होती है मनुष्य की तो वो उस पर स्टेज पे रहते हुए में एम्प्लॉयज को देखना सब करना एक सिरदर्दी तो है ही आपकी कामना मुक्त हो गई तो आप रखें ना नहीं रखें आपका अपना डिसीजन है तो चैतन्यता पर जब मनुष्य डिसीजन ले लेता है ना कि नहीं मेरे को जो है बबाल पालना ही नहीं है किसी भी तरीके से तो वो ऐसा कर कदम उठा लेता है और ये जैसे अब अपन लोग ही करते हैं अब जैसे मैं भी ये वाला सेशन करती हूं ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं क्लैरिटी की कहीं कोई दिक्कत है अब आ, क्या होता है कि जैसे ये मैं अपने मन की बात बता रही हूं कि जैसे मेरे को ये लगता है कि जैसे पांच सात लोग जो भी मेरी बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या सीख मतलब कर सकते हैं मैं सिखाने के लिए नहीं कर रही लेकिन अब मुझे अपना ही जो टाइम है ट्वेंटी फोर आवर्स वो भी मेरे को अपना पास करना है तो मैं ऐसे ही लोगों का संग करना चाहती हूँ जो ईश्वर की तरफ पर जिनका रास्ता चल रहा है ईश्वर की तरफ पर जिनका रास्ता चल रहा है तो उनके साथ में टाइम क्योंकि टाइम कटता नहीं है मनुष्य का टाइम नहीं कटता तो इस कारण मैं हाथ में वही चीजें लेती हूँ और उन्ही लोगों के साथ में मैं कंपनी करना चाहती हूँ वही मेरे फ्रेंड्स बनते हैं और उन्ही लोगों में मैं मूव करना चाहती हूँ और बाकी क्या है जैसे ट्वेंटी आवर्स या वो है तो उसमें रिलैक्स हूं मैं रिलैक्स ये है कि मैं कोई भी अब आ, हाथ में कोई भी ऐसा वाला जो मटेरियल काम है जिसमें बहुत अर्निंग अर्निंग में मेरे को ये नहीं है कि कोई दिलचस्पी है कि पकड़ लूं और ये सब कमा लू तो जब कमाने में आपका इंटरेस्ट क... जब भोगने में खत्म हो गया तो कमाने में भी खत्म हो गया तो वो वो वाली अवस्था आ जाती है तो यही चीज जो है ना इनमें भी चलती है चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजिशन पे चले जाए इवन अंबानी की भी सुन सकते हैं आप क्योंकि एक इंसान होता है एक टाइम के पे जब चल रहा है चल रहा है सारा तो उनका तो नॉर्मल जो है एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह चल रहा है लेकिन एक त्याग त्यागवृत्ति कई बार इंसान के अंदर आ जाती है कि ये सब कुछ बेकार है तो वो छोड़ देता है तो वो भी उसका अपना डिसीजन होता है चैतन्यता का तो वही चीज है कि आपको जहां पर भी लग रहा है तो जब तक खेल की तरह से नहीं बनाना संसार का कोई भी कार्यक्रम तो तब तक आप फंसे हुए समझिए अपने आप को तो हम तो छोटी छोटी सी चीजों में ही फंस ले तो वही था ना ये इन्होंने अभी भेजी थी पूर्णिमा जी ने वैराग्य के ऊपर तो मन के ऊपर जो भी विचार है उससे उससे अपना पीछा छुड़ाना ही वैराग्य है तो यही चीज है तो मन जो है शांति में तब जाता है जब वो निर्विचार स्टेट में बैठा रहता है सारा टाइम तो जो भी जो आप लेते हैं जितना भी आप जैसे बिम्मी जी भी, भी हैंडल करती हैं बाकी सारे प्रोफेशनल लोग हैं हैंडल करते हैं लेकिन इनकी हैंडलिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि गीता सेशन के बाद में फर्क आया होगा कि उतनी सिरदर्दी नहीं लेते होंगे जितनी पहले लिया करते होंगे पहले क्या होता है हमारी अटैचमेंट से लेते थे हम अब थोड़ा सा डिटैच होके अपने आप को देखना आ गया कि नहीं ये सब जो है सारा जीवन ये नहीं है जीवन ये है कि जब मेरा मन शांत होता है तो वो प्रॉपर जीवन के साथ तो आप वही जुड़ते हैं ना जुड़ते ही तभी हैं जब शांति होती तो है है तो ये एक बार किसी और को बोलना है तो बोलिए नहीं तो फिर सिंह साहब से एक बार लास्ट में पूछ लेते हैं हां जी नहीं बोलना किसी को भी हाँ जी सिंह साहब आपको अपना बता दीजिए आपको भी नॉलेज तो बहुत ज्यादा है ये सारे जगत नहीं, की नहीं, मुझे <laughs> कोई नॉलेज नहीं है तो मैं तो इस पे जो आपका इश्यू अभी चल रहा है का का मोदी जी वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा मैं काम करता हूँ आचार्य प्रशांत जी का बहुत बढ़िया वीडियो है इसी के ऊपर वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ आप उसको देख लीजिए एक आधे घंटे का आधे घंटे का होगा शायद मेरे ख्याल से तो वो देख लीजिए तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी इस सब्जेक्ट में तो गलत सही कोई नहीं होता है जरा मजबूरियां होती है कुछ उनको देखना पड़ता है लेकिन हमारा होश में काम करना बहुत जरूरी है हम बेहोश पड़े होंगे तो फिर हमको ऐसे नजर आएगा सर अच्छा अभी वापस इस पे आते हैं हम जो आज आज जो पढ़े या चार श्लोक या चार वर्ष उसमें आम आदमी भी यही चाहता है कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो जाए वो प्रार्थना यही करेगा भगवान से मेरी उम्र बहुत ल... या उसकी उम्र बच्चों की उम्र बहुत लंबी हो जाए कुछ ना कुछ हम करते हैं है? सब हमको जानने हम बहुत फेमस हो जाए है और हमारा नाम बहुत चमक जाए सब जगह पे है और हमारी कीर्ति सब गाने लगे ऐसा सबके अंदर डिमांड या बोलते हैं चाहत होती है ये चाहत होना में कोई खराबी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये सब दुनियावी चीजें दुनियावी चीजों पे भी हमारा कुछ ना कुछ हक हाँ होना चाहिए ऐसी बातें नहीं होना चाहिए लेकिन असली बात क्या है जेतिस नजर ना आ गई तो बात ना पूछेगी उसकी जो है मतलब ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है, है जैसे एक वैसे विमी जी ने एक बात की थी वो थोड़ा सा उसको मैं आ, बिल्कुल ठीक नहीं मानूंगा ईश्वर की, की नहीं होती है लाठी अपने अहम की होती है, हुकम की अनुसार चलना है बस वो ईश्वर है है, कौन है क्या है किसी को कुछ पता नहीं है हम की करते हैं। लेकिन के अनुसार ही चलना ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो में नहीं चला फिर ये सब चीजें आने के बाद वो फिर उसकी कोई पूछ नहीं रहेगी अगर हुक्म में नहीं चला तो है ये बस इतना ही बहुत जरूरी है समझना कि ये चीजें खराब नहीं है लेकिन उसको हम खराब करता है हमारा अहम है? तो अहम जो है वही हम नहीं संभाल पाएंगे तो फिर ये चीजों का कोई फायदा नहीं है यूजलेस है टोटली बिल्कुल किसी काम की नहीं है कौड़ी की भी नहीं है चीजें ये इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है मुझे लगता है तो, तो इतना ही बस चलिए सब तो हाँ खत्म करें चलिए ठीक है हाँ जैसे श्री कृष्णा तो कल हाँ उसका सेशन है गीता सेशन में मिलते हाँ जी, हैं हाँ जी सब जी गीता का सेशन ओ जय श्री कृष्ण ठीक है जय श्री कृष्ण ओके जय श्री कृष्ण